बढ़िया साहब जो है लड़ाई में बहना जी हैं, बहना जी हैं लड़ाई में बहना जी हैं। सब ये लड़ा था, इनसे लड़ा था। अच्छा, सब इनसे लड़ा था। बोलिए और कुछ। मीडिया तो मना कर रहा है। नहीं, मीडिया का है ना का है वो बात की बात है, लेकिन मतलब हम लोग के देखने में तो बहना जी लड़ रहे हैं। अच्छा जी जी, बाबा के काम से खुश नहीं हो आप? किसके? बाबा, योगी बाबा। कोई मंदिर बनवा दिया, मंदिर में जल चढ़ाने से पेट भर जाएगा? पेट नहीं भरता मंदिर से। वही मंदिर बनवा दिया है, मतलब बर्तन अयोध्या में, वही मंदिर से पेट भर जाएगा? वो तो कह रहे हैं पेट भरेगा, मंदिर बनाइए और बनाइए, मथुरा की बात भाई। हम लोग तो नहीं, मतलब तो भाई समझते हैं कि नहीं, आप लोगों के भाई, हम लोग तो नहीं समझते हैं कि मंदिर के पूजा करने से पेट। 5 किलो राशन भी तो दे रहे हैं भाई। 5 किलो राशन से आप बताइए आपका खर्चा चल जाएगा? आप ही बताइए, 5 किलो राशन से आपका खर्चा। वोट मांग रहे हैं इस पर वो कि हम राशन दे रहे हैं। नहीं नहीं, तो ऐसे रूप मतलब नहीं मिलेगा, ये तो बहुत पहले से राशन मिल रहा है, आज कोई नया थोड़ा मिल रहा है। अब सबको दे रहे हैं ना वो? नहीं, सबको दे रहे हैं बात ठीक है, लेकिन पहले से मिल रहा है, आज कोई नई बात नहीं है राशन का। बाबा कह रहे हैं गुंडे भाग गए यूपी छोड़कर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तो बहुत ज्यादा हैं। अब ये बताइए बहन जी को क्यों वोट दोगे आप लोग? क्यों देंगे? उनकी सरकार बढ़िया है, उनकी शासन बढ़िया है। हम कह रहे हैं कि अभी 3 दिन पहले अगर मैं और टी अखिलेश अगर काट नहीं किया होते तो अभी आज तक स्कूल बंद रहता। अभी 3 दिन पहले स्कूल खुला है, बच्चों की क्या किसका हाथ में हुआ बताइए? पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं डीएम बन जाएंगे, पढ़े लिखेंगे नहीं डीएम बन जाएंगे। तो डीएम बनाना जरूरी है, मंदिर में भेजिए ना। नहीं, बस बस बस, जितने भी विरोधी वाले पार्टी हैं, जितने भी विरोधी दल पार्टी हैं, आज अपने अपने घर जाके मुंह में करखा पोट के बैठ जाए। बीएसपी की कितनी औकात है, बीएसपी की कितनी औकात है। आज आपने आप लोग के माध्यम से आप लोग भी देख लीजिए, मीडिया वाले भी है, आप लोग भी इतना, जितनी बहन जी के आने की खुशी में इतनी भीड़ है, इतना कौनों के सभा में भीड़ नहीं है। ये जो भीड़ आई है आज जी, वोट भी देगी क्या? ये एकदम देगी, एकदम देगी वोट। हाँ, एकदम वोट देगी साहब, इसमें वोट गड़बड़ाने वाला नहीं है। नहीं नहीं, सब बहन जी को सुनने के लिए आए ये लोग? नहीं नहीं, बहन जी को तो बहुत पहले लोग देखे हुए थे, आज भी देख रहे हैं। उनकी जैसी सरकार, उनका जैसा शासन किसी मतलब मुख्यमंत्री का नहीं था, किसी का नहीं था। पावर बहन जी का शासन है, वैसा किसी का शासन नहीं, किसी का शासन आया नहीं। नहीं 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 नहीं। योगी जी, योगी जी साहब मंदिर बनवावत बड़ा, मतलब सरनी लेके फिर जाइया वो जमा। अखिलेश जी कैसे हैं? अखिलेश जी, अखिलेश सिंह मान लीजिए वो भी ना ही पर ठीक है, इनसे बढ़िया है, योगी से बढ़िया है। अच्छा जी, योगी से बढ़िया है जी? अखिलेश बढ़िया है, योगी से बढ़िया है। तो वोट दोगे अगर मौका पड़ा तो? किसको? अखिलेश को। भाई हम वोट देने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वोट देंगे तो बीएसपी को देंगे, मायावती को देंगे। अच्छा सर, ये बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मीडिया वाले हैं, रोज पेपर पढ़ते हैं, क्या साबूत है कि योगी जी का हर पेज पे नीति दिन न्यूज आता है और ऐड आता है? अदर पार्टी को क्यों नहीं आता है, आप बता दीजिए। आप पैसे नहीं देते होंगे? पैसे वाली क्या बात है, मीडिया को पैसा चाहिए, मीडिया को नहीं, मीडिया को। हाँ, मीडिया भी गलत जगह है क्या? नहीं साहब, आपको गलत नहीं कर रहे हैं, मीडिया नहीं जा रही है, मीडिया भी नहीं दिखाता ना आप लोगों को? नहीं दिखा तो नहीं था, लेकिन मान लीजिए कि इस कार्यकाल में आप लोग आ गए हैं तो देखने को मिल ही रहा है ना। अच्छा जी हाँ, समस्या क्या है यहाँ पर? समस्या क्या है? हमको बढ़िया मतलब बर्तन धंधा चाहिए, पानी चाहिए, मतलब बर्तन आदमी को, मतलब बर्तन शिक्षा चाहिए, और क्या चाहिए? पानी उन्हें नहीं मिल रहा, शिक्षा नहीं, लड़कों को स्कूल नहीं मिल रहा, शिक्षा नहीं मिल रही है भैया, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बहुत तरह तरह की परेशानियाँ है, गुंडा राज चल रहा है, सब परेशानियाँ है। हम पचराव गाँव से बोल रहे हैं, राजेश चौधरी, गुंडा राज चल रहा है, इसी यूपी में चल रहा है, लखीमपुर खीरी में चल रहा है, गुंडा राज 77 चल रहा है। योगी कह रहे हैं गुंडे भाग गए यूपी छोड़, नहीं भागे और आगे, गुंडे नहीं भागे हैं, नहीं भागे। अच्छा, अभी पूरे पूर है यहाँ पर, सारे हैं, सब है, पेपर देखिए, न्यूज देखिए। वोट किसको दोगे?
माया को देंगे, बहन जी को देंगे। नौकरी उकरी मिली आपके बच्चों? नहीं, बट मिली है। नहीं मिली है। इस बार सरकार बनेगी तो मिलेगी ना। पढ़ रहे हमारे बच्चे भी, एक लड़की बीए कर रही है, एक लड़का 11 पढ़। उम्मीद है बहन जी जीत जाएंगे यहाँ से? हाँ बिल्कुल उम्मीद है, पूरा हम लोग का पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है जीत जाएंगी जी। हाँ आप क्या कह रहे थे? सरकार जो है कि ये बहुत लंबी पॉलिसी खेल रही है, ये सारी सरकारी संस्थाओं को जो कि निजीकरण कर रही है। निजीकरण क्यों कर रही है? क्योंकि ये भारत को आरक्षण मुक्त करना चाहती है, भारत से आरक्षण को खत्म करना चाहती है। जो कि ये जो कि सारे फर्म को अर्मी लोगों को जो कि दे रही है, बेच रही है, वो अपने आदमियों को सारे लोगों को रखेंगे वहाँ से, जो कि गरीब लोगों के बच्चे जो पढ़ करके निकलेंगे उनको नहीं रखा जाएगा, वो आकर के झाड़ू का काम करेंगे या अपने पैसा में जाएंगे, उनको नौकरी नहीं मिलेगा। सर मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। नहीं, मोदी जी का मोदी का अपना विकास कर रहे हैं, मोदी किसी का विकास नहीं कर रहे हैं। और आज जो उमड़ा जैन सैलाब लोक रहा है, इसे साफ संकेत हो रहा है कि बहन जी आने वाली है और जोगी की यहाँ से छुट्टी होने वाली है, और सारे जो छुट्टी वो बेचकर गुजरात की तरह चले जाएंगे भारत को, पूरा ट्रेन रेलवे सब कुछ बेच दिया है क्या अब यूपी में? किराए पे यूपी में है क्या आप बताइए? यूपी में छुट्टा साल है, खेती नाश करके वही तो शौचालय अपने घर से बनवा रहे हैं। यूपी में कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, नहीं बचा। किसको किसको रोजगार मिला है बता दीजिए, किसको रोजगार मिला? अरे 4 लाख नौकरी, 4 लाख नौकरी गई कहाँ? गई कहाँ 4 लाख नौकरी? उन्होंने ऐड करवा दिया। कहाँ ऐड हुआ है? कोई मिला किसी को नौकरी? किसी को नौकरी मिला है? किसको नौकरी मिला आपको? आप तो मीडिया वाले हैं, आपको बेरोजगार कितने लोग हुए सर? बेरोजगार मान लीजिए हम तो मजदूर आदमी, नहीं मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन जितने शिक्षित लाए भाइयों हैं, शिक्षित सबको तो मिलना चाहिए, मिला है नहीं मिला? कह रहे जो काबिल लोग हैं उनको मिल रही है। किसको मिल रहा है भैया? किसको मिल रहा है? सारी नौकरी किसको? बीजेपी कह रही है जो काबिल लोग हैं उनको मिल रही है, पढ़े लिखे लोग। गलत बात है भैया, जो गलत बात है तो कहाँ काबिल लोग रहे मिलने वाले? गलत है, झूठ बोल रही है। केवल संघ के लोगों को भैया 10-20 साल हो गया ना, 10 साल में क्यों रोड के अलावा अगर किसी को नौकरी मिले तो बताइए। अच्छी अच्छी नौकरियों संघ के लोगों को मिली है, जो संघ से जुड़े हुए मिली नहीं है, केवल खाली गरीब खाना भी ना मर रहे हैं, मर रहे हैं। क्या बात है, नमक में शीशा पिसवा के भेजवा रहा है कि गरीब खा के मर जाए। रैली में आए हो? रैली में आए बहन जी जीत रहे हैं, फुटबॉल की हमारी सरकार बनने जा रही है। बहन जी ने 7 साल में जो काम कर दिया है वो किसी ने नहीं किया है। कैसे कैसे जीत रही है बताइए? अरे हमारी लहर है और क्या, सर्व समाज का सम्मान हमारे साथ है, सर्व समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। वोट भी दे रहा है सर समाज? दे रहा है वोट भाई, और क्या, हर समाज का हमको वोट मिल रहा है थोड़ा थोड़ा। हमारा अखिलेश यादव कह रहे सब हमें, अरे हवाई है, अखिलेश सरकार ने जो नुकसान किया है तो किसी ने नुकसान नहीं किया है। अखिलेश सरकार ने जो नुकसान किया है भैया जी, वो किसी ने नहीं किया है। पहले खास करके 80 लोगों का जो प्रमोशन था उसमें उन्होंने डिमोशन कर दिया, अब प्रमोशन था अखिलेश की बात करते हो, जो महापुरुषों की जो उनका नाम से जिला बना था, सुनो भैया, जो जिला बना था हमारे लोगों का उनको उन्होंने कर दिया। अब अखिलेश की आप बात करते हैं ना, ओबीसी समाज की छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से मेडिकल कॉलेज था, उन्होंने किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज कर दिया। हाँ तो बताइए ओबीसी समाज कहाँ उनके साथ है? ओबीसी तो भी हमारे साथ है।